दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 7 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 39 में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जड़ा। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे इतिहास में दोहरा शतक की पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए इब्राहिम जादरान के शानदार शतक की बदौलत कंगारू टीम को 292 रनों का लक्ष्य दिया था। टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर 7 विकेट गंवाने के बावजूद 46.5 ओवर में 7 विकेट पर 293 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 128 गेंद में 201 रनों की नाबाद पारी खेली। मैक्सवेल ने अपनी इस पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए। दोस्तों, मैक्सवेल इस मैच में अलग ही रंग में नजर आए, जिससे अफगानी टीम के जीतने के सपने मिट्टी में मिल गए। वही मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने ग्लेन मैक्सवेल ने बातचीत की, जहां वह दोहरा शतक लगाने के बावजूद दुखी नजर आए। मैक्सवेल ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ यह ऐतिहासिक पारी खेली तो उनके कई कैच विपक्षी टीम के खिलाड़ियों ने टपकाए। वही मैक्सवेल ने आगे कहा, शुरुआती दो मैचों में हमारी हार के बाद लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, पर बतौर टीम हमें अपने ऊपर विश्वास था। दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल की आपको यह ऐतिहासिक पारी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।